अपडेटेड रखूंगी. तो आई एम सो एक्साइटेड. तो यार मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूंगी. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल. कैसा लग रहा है अब? हम लोग पहुंच गए हैं रिसॉर्ट. हाँ हाँ नंबर ले लो जाके. ये है एंट्रेंस इसका. वाह यार बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. तो यहाँ पे ऐसा सिटिंग एरिया है, वहाँ पे भी ऊपर बैठ सकते हो जाके. और यहाँ पे पूल कितना अच्छा लगता है यार ऐसे वेकेशन पे आके. यहाँ पे रेस्टोरेंट है सामने. अच्छा रेस्टोरेंट का 8 नंबर. कितने? 8 नंबर. 8 नंबर. अच्छा और ये सामने कैफे स्विमिंग पूल के पास. अच्छा इसका 7 नंबर है. 7 नंबर. और जो मेन रिसेप्शन है यहाँ का 9 नंबर. अच्छा ठीक है. 7, 8, 9. आपका नाम क्या है भैया? पवन. तो वहाँ पे पूल पार्टी भी चल रही है. तो यहाँ पे दो पूल्स हैं बेसिकली, उधर है और इधर है. तो ऐसे रूम्स हैं यहाँ पे. वो वाला. अच्छा ये है हमारा रूम, हम लोगों का ये छोटा सा क्यूट सा हट आज के लिए वो है. ये देख सकते हो आप, मस्त लग रहा है यार, बहुत क्यूट है. ये देखिए आप, ये है हमारा आज के लिए रूम. ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, ये नेचर लॉन. और यहाँ पे सोफ़ा है. ये देखो क्यूट क्यूट अच्छा लग रहा है यार, ये बहुत क्यूट है. मुझे ये अच्छा लगा, वो तो रोड के लिए भी ले सकते हैं वाला. ऐसा फील फील दोनों से. ओ इसका वॉशरूम अच्छा है, मैंने इसका वॉशरूम नहीं देखा था. पता नहीं मेरे फोन में क्या हो गया है, ऐसा ब्लर कभी कभी ब्लर हो रहा है. हाँ अब फोकस ले रहा है. ये यहाँ का किचन बहुत ही प्यारा है. वाह यार बहुत अच्छी सी सेटिंग है. हम अंदर ही कैफे, एक क्यूट सा कैफे बना हुआ है, मैं दिखाती हूँ. और इसके सामने एक और पूल है. तो हम आ गए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए. कुछ ना कुछ खाएंगे अभी दोपहर के लिए. तो लिस्ट हम लोग यहाँ पे खाएंगे. वैसे तो काफ़ी है अभी, पता है ये काफ़ी है अभी, ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं है. ब्रेकफास्ट करा था डन है. शाम के बज रहे हैं 5 और हम लोग सो गए थे थोड़ी देर, सोचा रिलैक्स कर ले और सो गए तो सो गए. 5 बज चुके हैं. तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ की मतलब ज़्यादा तो कुछ है नहीं. हम लोगों ने बेसिकली रामनगर के लिए ही बुक किया था कि हम लोग बस इन्जॉय करें, रेस्ट करें. तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही मार्केट. सोचा है कि थोड़ा मार्केट वार्केट से कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर ली जाए अगर कुछ दिखता है तो. और बस देखेंगे, साइट सीइंग थोड़ा करेंगे और फिर आ जाएंगे वापस. और यहाँ पर फिर 7:30 एक शो होता है, मूवी शो वाइल्ड लाइफ. तो वो अटेंड करने वाले हैं, वो देखने वाले हैं. और फिर बस नेचर को एंजॉय कर रहे हैं. बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे यहाँ पे, तो देख सकते हो. मैं आगे भी आप लोगों को दिखाती रहूँगी. सनसेट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आप देख सकते हो वहाँ पे
चलो फिर चलते हैं। आप रिजॉर्ट के और यार नाइट व्यू तो अलग ही है इसका। चाबी अंदर थी ना। सो रात हो गई है और अभी बॉनफायर का टाइम है और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ मूवी भी लगने वाली है, तो उन लोगों ने प्रोजेक्टर वगैरह कर रखा है तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। यहाँ पे लाइट थोड़ी अजीब हो रही है, पता नहीं मेरा फ़ोन ऐसा वियर्ड सा रिएक्ट क्यों कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद हम लोगों को टाइम मिला है ऐसे अकेले। The leopard of Rudraprayag became a disease, infecting thousands. A killer that stalked the region for 8 long years, creating a situation so desperate that the British government were forced to offer a reward of 10,000 rupees. So, खाना start हो गया है अब, बुफे लग चुका है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या-क्या है वहाँ पे खाने का options। और अब हम लोग जा रहे हैं बस खाना खाने, बिकॉज़ भूख लग रही है और ठंड भी बढ़ रही है, तो मैंने जैकेट भी पहन लिया ऊपर से। तो चलो चलते हैं अंदर। सो मैंने लिया है कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, फ्राइड राइस और डोडो ने तो काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं, चिकन, नान, फ्राइड राइस, मंचूरिया और दाल मखनी भी है, पनीर, मिक्स वेज और चिकन लिया है बिकॉज सैटरडे है तो मैं खाऊंगी नहीं। और ये बस अब हम लोग खाना खा के मिलते हैं आप लोगों से। डोडो डोडो और मैंने डिनर तो कर लिया है, अब हम लोग बस ऐसे ही वॉक कर रहे हैं थोड़ा सा। अभी बॉनफायर के पास भी बैठ गए थे थोड़ी देर, मस्त बातें बातें की थोड़ी। अब हम क्या करने जाएंगे डोडू? थोड़े जाएंगे। ठंड लग रही है। अब ठंड लग रही है यहाँ पे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब हम सोने जाएंगे और कल सुबह जाके मॉर्निंग वॉक पे जाने, यहाँ पे ऐसे प्लान किया है हमने। सुबह देखते हैं कितने बजे उठेंगे और जैसा भी रहेगा आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। मॉर्निंग एवरीवन, सो मैं उठ गई हूँ अभी और अभी हो रहा है 7 o'clock। डोडू अभी सो ही रहे हैं। हम लोगों ने सोचा है कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, सोचा था मतलब रात में, तो अभी 7 o'clock हो रहा है, 7:30 निकलेंगे मॉर्निंग वॉक पे, उसके बाद स्विमिंग करने का भी सोचा है अगर मौसम बाहर अच्छा रहा तो। मैं अभी बस फ्रेश वगैरह होती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का हाल क्या है और उसके बाद उसके हिसाब से आज का दिन प्लान करेंगे। और आज नैनीताल जाने का भी प्लान है, सो लेट्स सी कि क्या क्या होता है। तो चलो चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे क्या क्या होने वाला है हमारे दिन की शुरुआत में। होप करती हूँ कि कल का दिन आप लोगों को अच्छा लगा होगा जो भी हम लोगों ने। आई एम पिंपल रेडी। हम लोग जा रहे हैं वॉक पे। डोडू मॉर्निंग। तो हम लोग अब पहाड़ जाने वाले रिजॉर्ट के, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ और नेचर है तो हम लोग देखने वाले हैं वहाँ पे, क्योंकि एक लेक भी है यहाँ पे। अगर हम वहाँ तक वॉक कर पाए तो हम जाएंगे, वरना ड्राइवर को बुला लेंगे कि आ जाओ आप हमें लेने।
गुड। बच्चों बीच में आना, हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद शायद पूल में भी जाएंगे। रेडी और हम जा रहे हैं पूल में। डोडो में ट्यूनिंग कर रहे हैं सेम ड्रेसेस में। अरे जाओ ना, कुछ नहीं होते। ठंडा है यार, उसकी बात नहीं। मुझे पता लगता कितना गहरा है। हो बच्चू, तुम्हें तारे तो मतलब मैं भी आते ना। बहुत ठंडा है ना बच्चू, तुम्हें तारे। लोगों ने पूल में एंजॉय कर लिया है, हम लोग जाते हैं रूम में। बहुत ही ठंडा पानी था यार। अब चेकआउट करने का टाइम भी आ गया है और अब हम सोच रहे हैं नैनीताल जाएं, भी रिजॉर्ट दिख गया है, बस नहाते हैं और निकलते हैं। बाय बाय। हम लोगों ने चेकआउट कर दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं टेम्पल गिरजा देवी और उसके बाद हम लोग निकलेंगे नैनीताल के लिए। हम लोगों ने प्रसाद ले लिया डोडू, अरे मंदिर की तरफ। वाव डोडू, ओ लवली। डोडू यहाँ नहीं आते तो बेटा मिस कर देते तुम, बहुत बड़ी चीज। बोल कर दिया मैया की जय। बहुत ही अच्छे हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। अब हम लोग निकलेंगे नैनीताल के लिए। हनुमान धाम, हनुमान जी के दर्शन कर लिए। डोडू को भी याद हो गया है मैं क्या क्या बोलूं। क्या
पहले से ऐड है 1 करोड़ रुपए का। हां चल करूंगा बात घर जाकर। चेंज और अब हम लोग जा रहे हैं सर लेक को विजिट करने। लूडो वहाँ पे बहुत ही सही प्लेस है ये। हमारा जो है वो ये वाला है इधर। हम लोग आ गए हैं नीचे डोडू और मैं, और बहुत ठंडी हवा चलने लगी है अब बहुत ज़्यादा, तो मैंने हीटर भी ऑन कर लिया। मुझे बहुत ठंड लग रही है। और बस अब हम लोगों को भूख लगने लगी थी एक्चुअली, थोड़ी थोड़ी मैगी खाई थी वहाँ पे, उसके बाद अब भूख लग रही थी तो हम लोगों ने सोचा अब यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर लेते हैं स्नैक्स जैसा, रात में तो खाना ही है तो अब कुछ मंगाते हैं और खाते हैं। हमारे स्नैक्स आ गए हैं बट हम लोगों को भूख भी लगने लगी। अब 6:30 हो गया, 40 मिनट्स हो गए तो उसको लाते लाते, तो अब हम ने खाना भी ऑर्डर कर दिया, पहाड़ी चिकन और जीरा राइस रोटी ये सब, तो वो आएगा। होप करती हूँ मैं दिख रही होंगी आप लोगों को। हाय। सो हमारा खाना आ चुका है, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जब भी आप कोई वीडियो बनाते हो तो हम लोगों को होटल्स की या फिर जहाँ पे भी आप स्टे करते हो वहाँ की फुल इन्फॉर्मेशन बता दिया करो, लाइक नेम प्राइसिंग एंड ऑल। तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ। और ये तो मतलब काइंड ऑफ रिजॉर्ट नहीं है, होटल काइंड ऑफ ये है, लेक साइड है ये है, तो हम लोगों ने इसलिए एक दिन रिजॉर्ट का फील लिया और एक दिन ऐसे वाले का, तो इसलिए हमने अलग अलग बुक किया था। यहाँ पे हमने खाना रिजॉर्ट था, वहाँ पे हम लोगों ने लंच डिनर सब कुछ बुक कर रखा था, लाइक लंच नहीं सिर्फ डिनर, या तो लंच ले सकते हो या डिनर, वो सब बुक था हमारा, और ब्रेकफास्ट भी बुक था। तो वहाँ का अलग एक्सपीरियंस था, यहाँ का अलग है। सो वी आर इन्जॉइंग, और डोडो बिल्कुल हैंड वॉश करके आ गए खाना आने के लिए। तो मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ क्या क्या है, और फिर मैं आप लोगों को आगे बताती रहूँगी क्या क्या चीज़ें, मतलब कितना प्राइसिंग है और क्या क्या हो रहा है। पहले मैं दिखा देती हूँ, बहुत भूख भी लगी है। सो मेरा प्लेट, हम लोगों ने मंगाया है पहाड़ी चिकन, वो बहुत ऑयली आई थिंक। जो हमने स्टार्टर मंगाया था वो तो अच्छा था, हमने स्टार्टर क्या मंगाया था डोडो? चिली चिकन। चिली चिकन मंगाया था वो अच्छा है, बट इसमें बहुत ऑयल है। मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा है। और ये है फ्राइड राइस, जीरा राइस, और यहाँ पे हमने रोटी मंगाई थी नॉर्मल, तो ये है रोटी। तो अब हम खाना शुरू करते हैं और आप लोगों को टेस्ट में बाद में बताऊँगी कि कैसा है। बाय। मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग उठ गए हैं और अभी हो रहे हैं 7:30, और हम लोग लेट हो गए एक्चुअली उठने में थोड़ा। अब बस फ्रेश होना है और जल्दी से ब्रेकफास्ट यहाँ पे करेंगे या बाहर सोच रहे हैं करने के लिए। और हम लोगों को बहुत सारा घूमना भी है आज, जैसे कि ताल और वो सब, लाइक नैनीताल लेक और वो सब, और माल रोड भी घूमना है। तो हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आज शाम को निकलना भी है और कल होली है, छोटी होली। सो हम लोग सोच रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी सब लोग चीज़ें घूमते हैं और निकलते हैं यहाँ से वापस घर के लिए। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, व्यू छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। हम लोगों ने रिजॉर्ट वाली फीलिंग ले ली थी और अब हमें ऐसा शांति वाला ऐसा प्लेस चाहिए था नैनीताल में। हम लोगों ने इसके रिव्यूज़ भी देखे थे, बहुत अच्छे थे, तो हम लोग सेटिस्फाइड हैं। डोडू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो अभी हम लोग बस ब्रेकफास्ट करेंगे, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, 10-15 मिनट्स बोल रहा है वो, तो हम लोग जब तक बस जल्दी से रेडी हो जाते हैं और आप लोगों को मिलते हैं। बाय जब तक के लिए। सो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, डोडो ने कॉफ़ी ऑर्डर की थी, मुझे नहीं पीनी अभी, और यहाँ पे पोहा आ गया है। लेट्स सी कि कैसा है। यू कैन सी, मैं अभी ओपन नहीं कर रही, पूरा ठंडा हो जाएगा। और केचप, कॉफ़ी प्लेट्स, बस डोडो नहाने गए हैं और उसके बाद मैं जाने वाली हूँ, और फिर बस हम लोग करेंगे बाहर ब्रेकफास्ट। आ जाओ। हम लोग अब चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, हम लोग रेडी हैं।
बाय बाय। अब ऊपर जाते हैं नैनीताल लेक और सारी चीज़ एक्सप्लोर करते हैं नैनीताल की, और आप लोगों को भी ले चल रहे हैं। चलो तो हम लोग पहुंच गए हैं नैनीताल लेक पे। डोडो बहुत ही ब्यूटीफुल है। डोडो डोडो अभी हम वॉक करके जा रहे हैं उस साइड माल रोड पे। बच्चों इधर चलो, और बोटिंग भी करेंगे यहीं पे। और अच्छा सा पता है धूप निकली हुई है, बट दो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है ना। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है यार मुझे तो। अब हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे नैना देवी टेम्पल बोट से ही जाने वाले हैं। टेम्पल आ गया है, अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। बोट से मजा आया। वो कितनी मोटी हो गई है रेडी। मोटे मोटे फिशेज है शायद। हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और हम लोग आ गए हैं पास की मार्केट में। कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे और फिर निकलेंगे माल रोड के लिए। हमने ऑर्डर किए मोमोज, फिर चटनी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। हेलो एवरीवन, अब हम लोग जा रहे हैं, दर्शन हो गए, हम लोग जा रहे हैं अब रोप व्यू के लिए। डोडो को बहुत डर लग रहा है। ओफो बहुत चढ़ाई है। तो बच्चू डर लग रहा है। थोड़ा वो तो नहीं आ रहा पीछे बैक। अपना
भाई साहब थोड़ी देखा तुमने लग गए उसमें। आज बहुत नया एक्सपीरियंस लिए, मस्त मस्त। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, एक डायनासोर पार्क करके है वहाँ पे। मज़ा आ गया आज तो, गन शूटिंग में भी अच्छा था, राइफल में डोडो ने भी किया, मैंने भी किया। और हिमालयन व्यू में अभी हिमालय पे पूरे फॉग था तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर व्यू नहीं आया, बट इट्स ओके। फोटोज़ में भी जैसा दिखता है वो इससे भी ऐसे ही दिखेगा। हम जाने वाले हैं डायनासोर पार्क। Hey. अरे उल्टे तो चमगादड़ लटकता है। अच्छा आ गए हैं अब हनुमानगढ़ी टेम्पल। बहुत ही शांति यार इस मंदिर में तो रेडू। जय हो। मेरा भी निकल रहा है, बट कल होली है, छोटी होली, अब होली भी सेलिब्रेट करनी है। और उसके बाद बैक टू हैदराबाद। बहुत सारी ट्रैवलिंग कर ली हमने और उसके बाद मेरा ऑफिस शुरू होने वाले हैं। बाय बाय नैनीताल। सो होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और रील्स देखना बिल्कुल ना भूलें। हम लोगों ने बहुत सारी रील्स डाली है इंस्टा पे, सो आप लोग देख सकते हो, और हमें खूब सारा प्यार दीजिए। और आज से अब से डोडो भी दिखेगा मेरे संग हर वीडियो में, तो हमारी जोड़ी को एवरीवन। सो हम लोग रीच कर गए हैं मुरादाबाद, और यहाँ पे हम लोगों को कुछ खाना था, भूख लगी थी, हम लोग रुके रेस्टोरेंट में। डोडो देख रहा है, डोडो पहले बोल रहा था हेलो एवरीवन। हम रुक गए अब श्यामा रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो बहुत थक गई, मैं सो भी गई थी रास्ते में बहुत ज़्यादा। तो बस अब खाना वाना खा के निकलेंगे यहाँ से, आई थिंक बस 45 to 50 मिनट्स लगेंगे यहाँ से चंदौसी।